सो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मस्त हो ना भाई? ठंड उंड लग रही है? चलो ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों की इंग्लिश की क्लास चालू हो चुकी है, तो आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो आप लोगों की इंग्लिश की क्लास चालू हो गई है, तो मैंने फर्स्ट डे आप लोगों के इंग्लिश में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है। क्लास टेंथ का जो सिलेबस है ना, क्लास टेंथ का जो सिलेबस है, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो सेकंड क्लास थी, ये तो आपकी फर्स्ट क्लास थी, ठीक। उसके बाद जो आपकी सेकंड क्लास थी, उसमें हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कुछ। ठीक है, उसको, उस वाले वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसको देखने के बाद ये आपका आज तीसरा वीडियो है। और ग्रामर की बात किया जाए तो ग्रामर का दूसरा वीडियो है, पहला क्लास तो इंट्रोडक्शन था आपके सिलेबस के लिए, और ये तीसरा दूसरा वीडियो है ग्रामर का आपका। ठीक है, तो उस दिन हमने बात किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि वो 8 नाम मैंने क्या क्या बताया था आपको। ठीक है, यहीं पर ऐसे रिवाइज कर देता हूँ। ठीक, उस दिन मैंने आपको क्या क्या बताया था उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, जैसे पहला हमने क्या बताया था भैया, नाउन बताया था। ठीक, नाउन बताया था। दूसरा क्या बताया था, प्रोनाउन बताया था, प्रोनाउन बताया था। ठीक, तीसरा क्या बताया था हमने, तीसरा बताया था एडजेक्टिव। चौथा क्या बताया था हमने, चौथा बताया था एडवर्ब। पांचवा क्या बताया था, पांचवा बताया था मैंने वर्ब। छठा क्या बताया था मैंने, छठा बताया था कंजक्शन बताया था। सातवा क्या बताया था मैंने, प्रेपोजिशन बताया था। एंड आठवां क्या बताया था हमने, इंटरजेक्शन बताया था, इंटरजेक्शन। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। जो हमने आपको बताया था कि 8 प्रकार के होते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं 8। अब आज हम ग्रामर की उसी सीरीज को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लाइक करिएगा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को पूरा कोर्स करवाया जाएगा, बुक भी रीडिंग कराई जाएगी। क्योंकि मैंने कल की क्लास में देखा, एक बच्चा था, उसने बोला था कि सर बुक भी रीडिंग करवाइए, तो हम बुक भी रीडिंग करवाएंगे। बस पहले आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लीजिए, फिर उसके बाद एक चैप्टर बुक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ग्रामर का एक पार्ट लेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो आओ आगे देखते हैं हम कि अब उसके आगे क्या होता है। कल का जो वीडियो था उसके आगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बताया था आपको पहले नंबर पर नाउन। ठीक है, हमने आपको नाउन के बारे में बताया था। ठीक, तो आज हम अब नाउन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जो 8 हम आपको बताए थे, जैसा इसमें हमने देखा था, जो 8 हमने आपको बताया था ना, इसमें से अब हम बात करेंगे नाउन के बारे में। ठीक, अब हम बात करेंगे नाउन के बारे में, आओ देखते हैं नाउन क्या होता है। सबसे पहले उसकी डिफिनेशन जानते हैं कि नाउन होता क्या है। ठीक है, तो आइए डिफिनेशन देखते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है आपका, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन। और दोस्तों एक चीज और देख लीजिए आप और सुन लीजिए, आप लोग तैयारी करो, आप लोग इंग्लिश का पेपर है ये। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में ये चीज आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, सो आप लोगों के पेपर में हिंदी नहीं आएगी, हालांकि हम आपको समझाने के लिए आज हिंदी में लिख दिया है ताकि आप लोगों को एक बार समझ में आ जाए। लेकिन आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए कि एग्जाम में आपको हिंदी में कुछ नहीं लिखा मिलेगा पेपर में, और ना तो हिंदी में आएगा, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही पढ़ने को। ठीक है, नहीं तो आप लोग हिंदी में पढ़ोगे तो आप लोगों की आदत हिंदी में ही पड़ी रहेगी। ठीक है, सो आइए हम देखते हैं नाउन की डिफिनेशन। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन के नेम को नाउन बोलते हैं, किसी भी कहीं प्लेस का नाम आ जाए तो उसको भी हम नाउन बोलेंगे, कोई थिंग्स कोई भी चीज का नाम आ जाए तो उसको हम बोल देंगे। ठीक है, क्या होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, किसी व्यक्ति, व्यक्ति क्या होगा भैया, पर्सन, पर्सन को हिंदी में व्यक्ति बोलते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, प्लेस या और अथवा जिसको बोलते हैं हम, थिंग्स मतलब वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने क्या बताया, डिफिनेशन ठीक से समझिएगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, तभी आप एग्जाम्पल को समझ पाओगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, और हिंदी में क्या बताया, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, मैंने क्या क्या बताया, व्यक्ति बताया, स्थान बताया और वस्तु बताया, इन तीनों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, बुक,
बुक आपकी किताब होती है, ये एक आपका नाउन है, पेन हो गई, दिल्ली हो गया, दिल्ली जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में, आगरा हो गया, किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति का नाम, मैंने बताया ना किसी भी व्यक्ति का नाम, राम हो गया, सीता हो गया। अब स्थान में क्या बताया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया। वस्तु में क्या बताया, बुक हो गया, आपका पेन हो गया, ठीक है। सो नाउन की डिफिनेशन मैंने आपको बताया, और एग्जाम्पल ठीक से समझ लीजिए कि बुक हो गया, पेन हो गया, दिल्ली हो गई, आगरा हो गई, राम, सीता, एसेट्रा, ठीक है। ये आपके नाउन के एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई भी नाम आप ले लीजिए, किसी का भी नाम मान लीजिए, राम हो गया, श्याम हो गया, कोई भी नाम हो गया, किसी भी बुक का नाम, कोई भी शहर का नाम, सब आपके नाउन ही होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। भैया इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको नोट्स बनाओगे तो रिवाइज करने में आराम रहेगा, ठीक है आपको। अब देखिए कितने प्रकार के नाउन होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 5 types ऑफ नाउन, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं, उनके हम नाम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आइए देखते हैं, तो हाँ अब देखते हैं हम कि कितने प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका प्रॉपर नाउन, नाउन के प्रकार है भैया, ये नाउन के प्रकार है, तो पहला आपका हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं भैया हिंदी में, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। फिर चौथा क्या होता है आपका, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं आपका, आपको इसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन को, पदार्थवाचक संज्ञा। कहीं कहीं देखिएगा आप लोग पदार्थवाचक वाचक को द्रव्यवाचक बोलते हैं, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा संज्ञा भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहीं कहीं बुक में आपका मिल जाएगा द्रव्यवाचक, तो आप लोग ये मत सोचिए कि द्रव्यवाचक क्या होता है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। और पांचवा क्या हो गया आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो मैंने आपको क्या बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार बताए थे, 8 प्रकार में से आपका नाउन पहला था। तो नाउन के बारे में मैंने आपकी डिफिनेशन बताई इंग्लिश में, हिंदी में डिफिनेशन बताई, उसके एग्जांपल दिए कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, प्रॉपर नाउन हो गए, कॉमन नाउन हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए, मटेरियल नाउन हो गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, ठीक है। अब हम लोगों को एक एक चीजों के बारे में जानना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, इसके भी बारे में जानना जरूरी है, तभी तो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से आइडिया लगा पाओगे, उसको अच्छे से उसका आंसर लिख पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक है। मैं देखता हूँ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, व्यक्तिवाचक, यहाँ देखो ना ये मैंने लिखा है, यहाँ देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक, प्रॉपर नाउन को, ठीक। देखो प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हम लिख देते हैं हिंदी में आपको, नहीं आप लोग कहोगे, ठीक है। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं भैया, व्यक्तिवाचक एक मिनट दोस्तों, माफी चाहता हूं मैं, दोस्तों ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डेफिनेशन पहले समझो, इट डेनोट्स अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स, याद रखना भैया, ये आपके नाउन से डिफरेंट इसकी डिफिनेशन है। यहाँ क्या बोला, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ये आपके पूरे नाउन की डिफिनेशन दी गई, जितने प्रकार हैं सब नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन की, स्पेशली प्रॉपर नाउन की क्या डिफिनेशन होती है, इट डेनोट्स, यह क्या डिनोट करता है, अ पर्टिकुलर, एक किसी विशेष स्थान को, किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष वस्तु को ये डेनोट करता है, ठीक है। हिंदी में परिभाषा क्या है, यह विशेष तौर पर, यह विशेष तौर पर किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। प्रॉपर नाउन क्या, प्रॉपर नाउन क्या बोलता है भैया, यह विशेष तौर पर किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। इंग्लिश में डिफिनेशन क्या है, इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स, ठीक है। आप लोग इसका नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एग्जांपल इसका देखते हैं, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल, जिसको व्यक्तिवाचक बोलते हो, इसका एग्जांपल देखते हैं, राहुल,
प्रिया, मुंबई, इलाहाबाद हो गया, संडे हो गया, जनवरी हो गया, एक्सेट्रा हो गया। अब देखो भाई, प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। जैसे राहुल हो गया, राहुल किसी जो भी नाम होगा किसी का, उसका नाम राहुल है, प्रिया होगा, ये पर्टिकुलर है भैया, ठीक है, ये डेफिनेट है अपने आप में। मुंबई, मुंबई कितनी सिटी भाई, एक ही सिटी है, इसलिए ये पर्टिकुलर हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इलाहाबाद कितने हैं भैया, इलाहाबाद तो एक ही है ना भैया, इसीलिए आपके प्रॉपर नाउन हो गया ये। फिर संडे हो गया, वीक में संडे आता है, एक वीक में एक ही बार संडे आता है। जनवरी हो गया, मंथ वाइज एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। अब हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल में क्या देखना है आपको, आपको यहाँ ये बताना है कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या क्या है। जैसे राम हो गया, राम इज गोइंग टू दिल्ली, एक ही एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे एग्जाम्पल ये है कि राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है, तो इसमें आपको एग्जाम में दे देगा, अंडरलाइन कर देगा, या तो आपसे पूछ लेगा कि राम क्या है, तो राम आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, नाउन एक दिया रहेगा, एक प्रोनाउन दिया रहेगा, फिर एक एडजेक्टिव दिया रहेगा, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो पूछ लेगा कि राम क्या है, तो आप बताइएगा नाउन, ठीक है। अगर प्रॉपर नाउन ऑप्शन में है तब आप प्रॉपर नाउन लिखोगे, अगर प्रॉपर नाउन ऑप्शन में नहीं है तब आप नाउन टिक करोगे, ठीक है। मैंने बताया ना, आप किसी भी व्यक्ति, किसी विशेष तौर या विशेष तौर पर किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, तो राम क्या भैया, प्रॉपर नाउन है। इज गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली क्या भैया, दिल्ली एक ही है ना, तो इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमारे, इस सेंटेंस में रुक जाओ भाई, हाँ, तो इस सेंटेंस में राम और दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं। हमने तो हमने आज क्या क्या देखा कि नाउन, मैंने आपको बताया नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन बताई, इसके एग्जाम्पल दिए, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद उसमें से एक पार्ट जो प्रॉपर नाउन है वो क्या होता है, ये चीज मैंने आपको बताया आज, ठीक है। सो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको, अब कल आपका जो होगा ना वो कॉमन नाउन स्टार्ट होगा, ठीक है। सो आपको आप कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, आज ये हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है, ये हमारी ग्रामर की दूसरी क्लास है, ठीक। तो मंडे से हम लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मंडे से नहीं मिलेगा, मंडे से आपको हम लाइव क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है, लाइव क्लास पढ़ाएंगे। जो टाइमिंग होगा ना मंडे से, टाइमिंग हम शाम को 7 बजे रख रहे हैं, ठीक है, 7 बजे शाम को रख रहे हैं, ठीक है, इवनिंग में हम टाइमिंग 7 बजे से रख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज, अगर आप लोग को कोई और टाइम चाहिए कि हमें 7 बजे मैं खाली नहीं रहूंगा, फ्री नहीं रहूंगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर, मतलब कि इतने बजे से मैं नहीं फ्री रहूंगा, इतने बजे से आप क्लास करिए। तो जितने लोग हो सको, जितने से ज्यादा लोग हो सको, उतने लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो भी क्लासेस हो रही है रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस होगी, बस थोड़ा लेट हो जा रहा है वीडियो को अपलोड करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को क्लास पूरी मिल जाएगी। आप लोग पूरा देखिएगा, बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और हम ही आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस कवर कराएंगे आपको, जो भी ग्रामर पोर्शन होगा वो कराएंगे, आपकी बुक रीडिंग कराएंगे और मॉक टेस्ट भी लगवाएंगे। मॉक टेस्ट मेरा कहने मतलब एग्जाम के पहले आपको हूबहू जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं वैसे पूरा यहीं पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, पूरा हम प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे आता है क्या चीज़, आपको उससे एक आइडिया लग पाएगा, एग्जाम में डर नहीं बनेगा आपको, यहीं पर जो होगा सब कुछ बताइएगा आप, सब कुछ हम करा देंगे। और एक चीज़, लाइव पढ़ाने का मतलब ये है भाई, अगर लाइव पढ़ाएंगे तो आपको जो भी डाउट होगा आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम उसका जवाब तुरंत दे देंगे आपको, ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा, जो चीज़, जो टॉपिक नहीं समझ आएगा हम आपको समझाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, गुड नाइट, बाय।